हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं दाल की दुल्हन, जिसको दल पिठौरी बोलते हैं बिहार में, और दल पिट्ठी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो आज बहुत ही अच्छी सी हम बना रहे हैं इसको, हम रात में डिनर के तौर पे यूज़ करेंगे, खाएंगे। तो सबसे पहले ये अरहर की दाल है जिसको हम अच्छे से धोएंगे। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम अरहर की दाल ली हुई है दल पिट्ठी बनाने के लिए। तो सबसे पहले नॉर्मल, जैसे कि दाल बनाने के लिए अच्छे से वॉश किया जाता है, उस तरीके से नॉर्मल पानी से डाल करके अच्छे से धो लिया हमने। और अब इसको कुकर में बॉईल करने के लिए डाल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम 1/2 लीटर पानी के लमसम पानी ऐड करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि दाल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही दाल बनानी है। और अब यहाँ हल्दी पाउडर 2 छोटी चम्मच डाल रहे हैं, नमक 2 छोटी चम्मच। इसके बाद कुकर को बंद कर दें और 2 सीटी लगभग इसको लगा करके बॉईल करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं कि आटा तैयार कर लेते हैं। ये 500 ग्राम हमने घी का आटा लिया हुआ है दल पिट्ठी बनाने के लिए, जो सबसे मेन चीज़ है वो है ये दल पिट्ठी के लिए आटा। और इसका डो हमने रेडी कर लिया है और अब इसका हम बनाएंगे छोटा छोटा सा बहुत ही छोटी छोटी सी लोइया लेना है पेड़ा की तरह, बिल्कुल छोटा छोटा सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप दिख रहा होगा आपको, एकदम छोटा छोटा सा हम बनाएंगे लोइया। सबसे पहले सारे लोइया बना लेते हैं। इसके बाद इसको हल्का सा आटा लपेट करके और फिर गोला करके और ये इस तरीके से हाथों की सहायता से पूड़ी का शेप दे दें और फिर, और ये हो रहा है बिल्कुल लेयर पतला कर ले। इसके बाद ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल इस तरीके से ये स्टार फिश हम बना दिए हैं, बहुत ही अच्छी सा डिज़ाइन आ रहा है। और ये जो चारों कोन दिख रहा है उसमें से दाल वो ऑब्जर्व करेगा और बहुत ही रसीला सा ये लगेगा खाने में। तो इसी तरीके से सारे डिज़ाइन हम बना रहे हैं, बिल्कुल ये शेप देख लें आप, स्टार फिश हमारी बन रही है। ये चारों कोन से दाल जो है वो इसमें घुसेगा और एकदम रसीला सही लगेगा खाने में टेस्ट। इस तरीके से सारे हमने बना लिया हुआ है डिज़ाइन, आप देख सकते हैं। और ये एक अलग सा डिज़ाइन हमने बनाया है, तो ये डिज़ाइन अगर आपको चाहिए होगा तो हम अलग से डालेंगे इसके लिए एक और वीडियो, तो उसमें आपको दिख जाएगा। और इसमें से 2 कोन है, इसमें से बहुत ज़्यादा ज़्यादा दाल ऑब्जर्व करता है, तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसको बनाया है और अलग से यहाँ हम पानी को गर्म कर रहे हैं, 1 लीटर ये पानी है और ये पानी हम दाल में डालेंगे, क्योंकि जो भी हमने दाल में पानी ऐड किया था वो सिर्फ दाल को बॉयल करने के लिए किया हुआ था और वो पानी बहुत कम है दल पिट्ठी बनाने के लिए 1 लीटर, इसलिए अलग से पानी गरम कर रहे हैं। दाल जो है वो बन चुकी है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल चुका है, बॉईल हो चुका है। और अब हम गरम पानी यहाँ पे ऐड करेंगे, गैस बिल्कुल ऑन ही रहना चाहिए अभी, और अब गैस का फ्लेम हाई कर लें। और इसको अब थोड़ा सा एक उबाल आने दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम ग्रेवी के लिए, मसाले के लिए 10 हरी मिर्च और 5 प्याज लिया हुआ है और इसको हम लास्ट में, सॉरी ग्रेवी नहीं, तड़का डालेंगे हम इसका लास्ट में। सबसे पहले दल पिट्ठी जो हमने ये आटे का तैयार किया हुआ है डिज़ाइन, स्टार फिश और एक अलग सा डिज़ाइन, वो हम डाल रहे हैं इसमें। धीरे धीरे इसको चलाते रहें और एक बार में थोड़ा थोड़ा चला करके पूरा एक बार में ही जो हमने जितना भी डिज़ाइन बनाया हुआ था वो सारा डालेंगे।
आप देख सकते हैं कितना सिंपल ये प्रोसेस है, और इसको आप डिनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी रोटी पराठा खा करके बोर हो जाते हो तो। यहाँ हम नमक डाल रहे हैं क्योंकि दाल में हमने जो नमक डाला था वो सिर्फ दाल के अनुसार डाला था। यहाँ 2 छोटी चम्मच और ऐड किया है क्योंकि हमने और मात्रा में चीज़ें ऐड की हैं इसमें। तलपिट्टी के लिए आटे का जो स्टार फिश बनाया वो ऐड किया है, इसलिए नमक थोड़ा डाल देंगे। और ये अब थोड़ी थोड़ी देर पे गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करके थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे चिपकेगा। और इसको अच्छे से होने दें, ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल होनी है आटे को। तो दूसरी जगह हम तड़का के लिए तैयार कर लेते हैं। यहाँ हम कुकिंग ऑयल ऐड कर दें और तेल को थोड़ा गर्म होने दें, तब तक इसको धीरे धीरे चलाते रहें वरना ये नीचे चिपक जाएगा, जलेगा नीचे। तो आप देख रहे हैं तो अच्छे से उबल रही है, घुस रहा है उसमें सारे रस से। 1 छोटी चम्मच छौंक में हम जीरा ऐड कर दिए, और ये हमने 5 प्याज कट की हुई है और ये हरी मिर्च कट किया है तड़के के लिए। तो अब ये हम डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से, बिल्कुल ब्राउन होने तक भूजेंगे। ये हमारी भुन रही है, आप देख सकते हैं इधर हमारा ये भी बन रहा है दाल बिट्टी, और ये तड़का टेस्टी सा तड़का तैयार हो रहा है। और ये बिल्कुल लगभग ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम यहाँ पे गैस जो है वो बंद कर रखा है, ऑफ़ कर दिया है गैस को, और यहाँ हम इसको ऐड कर देंगे। और इसको तुरंत मतलब बंद करने से पहले एक बार आप आटे का जो तैयार किए हुए हैं उसको एक बार चेक करेंगे कि इसको कि वो पक गया है कि नहीं, क्योंकि हमारा ये पक चुका है। और अब इसको हम खाने के लिए सर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, और इसको बनाने में कोई तामझाम बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपने जाना है कितना सिंपल ये प्रोसेस, और देसी भोजन बिल्कुल स्वादिष्ट बिल्कुल हेल्दी खाइए। और इस समय सब्जियों का थोड़ा शॉर्टेज है तो आप ये बना करके रात में खाइए डिनर के तौर पे। और आप कैसे ये दाल पिट्ठी बनाते हैं, आप इससे अगर बेटर बनाते हैं, आपका कोई अच्छा इसके साथ आपने बहुत अच्छा बनाते हो, तो आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि आप इसे किस तरीके से बनाते हैं। और पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा।